कितने मजा जाता है, क्या कहते हो? क्या कहते हो मेरे भाई? गया तो बताइए आपको कैसा लग रहा है इसकी राइड करके? एकदम फाट के फ्लावर हो चुकी है। डिटेल में आपको बताएंगे। और अपने साथ हैं नेमिस भाई, किस्सू, मंजेश भैया और पिंटू भैया। सब कुछ बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कितने बताए थे हमको ये बताओ, कितने का हमको बताए थे तुम्हें? 50,000। अरे यार रखो इतने। तो बार्गेनिंग करने के बाद 170 का चश्मा जो है 100 रुपए का लिया है हम लोगों ने, और एक दिन के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। भीड़ जो है वो काफ़ी बैकग्राउंड में हो रखी, बिकॉज आज जो है हॉलीडे है इस वजह से। तो इधर है पार्किंग का, क्या रुपए है पार्किंग चार्ज? 50 रुपए। ऑलराइट, तो काफ़ी रश है, और एक जो है अपने भाई मिल गए थे तो उनके रेफरेंस से ये टिकट जो है इजी मिल गई है। तो हम लोगों ने अभी 5 टिकट लिए हैं, टोटल जो बन रहा है 4250, और अपने हाथ में आ गए हैं बैचेस। तो अभी हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं अंदर, और लगभग आज बृहस्पतिवार है तो लगभग भाई 3250 ही तो हुआ है। नहीं भाई, है ना 3250 हुआ है, प्लस ये 328 रुपये टैक्स ही है, 328 रुपये टैक्स ही है टोटल। तो ये टिकट लगभग मिल चुकी है, लेकिन लाइन जो है वो देखिए कहाँ तक आ चुकी है। तो अभी हम लोगों के हाथ में टिकट आ चुकी है, और हम लोगों ने फुल पैकेज लिया है जो समथिंग 850 रुपये का प्लस टैक्स का है। तो अभी हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, एंट्री करने के बाद अंदर की चीज़ें बताते हैं। जो लेंस की टाइमिंग है वो लगभग 12 बजे लगभग फिक्स है, तो उस टाइम लंच होगा। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाला मज़ा आने वाला है। लॉकर वगैरह लेंगे, वहाँ से जाके कपड़े वगैरह चेंज लेंगे। तो अभी चलते हैं आगे का प्रोसेस, और जितना भी रेट होता है वो बताते हैं आपको। ऑलराइट, तो ये लोग पहले ही आ चुके थे अंदर। लाओ मायरी, वेलकम ड्रिंक, शाबाश। तो एक फ्रूटी के नाम पे वेलकम ड्रिंक मिलने लगी यहाँ पे 10 रुपया की, और यहाँ पे फाउंटेन चल रहे हैं। जस्ट हम लोग अभी एंटर करें यहाँ पे, और हम लोगों ने फुल पैकेज लिया। तो पहले हम लोग वाटर राइड जाएंगे, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो वाटर राइड कम्प्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे ड्राई राइड्स में। तो अभी प्लान यही है कि हम लोग चल के अपना पहले एक लॉकर लेते हैं, और लॉकर का जो कॉस्ट होगा वो मैं बताता हूँ आपको, और लॉकर के साथ साथ हम लोग को अपनी कॉस्ट्यूम लेनी पड़ेगी, तो उसका भी कॉस्ट मैं बताता हूँ आपको। और नेमिस भाई अंदर आ चुके हैं अपने साथ, क्या मज़े आ रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, अपना इंडिया अमेरिका को फेल करने वाला है, देने वाला। मतलब यहाँ पे आने के बाद ऐसी थीमें डिक्रोड करी हैं इन्होंने, जैसे कि USA में टहल लो या फिर फ्रांस में टहल लो, ऐसी ऐसी थीम बनाई है इन्होंने। और ये मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड में डांस चल रहा है। तो अभी राजस्थानी थीम से हम लोगों का करा गया है वेलकम, और आगे एक पंजाबी का थीम भी है, वहाँ पे ढोल वगैरह बज रहा है काफ़ी तगड़ा, तो वो भी एक बार दिखाते हैं आपको। राजस्थानी जो थीम होती है उससे वेलकम किया गया है, और उसके बाद एक पंजाबी थीम थी उससे वेलकम किया गया है, और उसके बाद थोड़े से जो थीम देखने को मिल रहे हैं ये, मैं जब लगभग 3 साल पहले जब आया था ब्लू वर्ल्ड, तो न्यू ओपनिंग हुई थी उस टाइम पे, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बड़ी हैं, और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से। और जैसे कि अभी हम लोगों ने राजस्थानी वाला थीम और पंजाब का जो भांगड़ा वाला सीन है, तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय किया, एंड आगे हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो आगे भी वहाँ पे राजस्थानी कुछ घोड़ी वोड़ी बन के, जो घोड़ी वोड़ी वाला सीन होता वो बने हुए हैं। तो काफ़ी इन्होंने थीम वाइज इसको वेल मेंटेन किया है, मतलब राजस्थान थीम भी हैं और पंजाबी थीम भी हैं, कुछ और भी थीम्स दिए हैं इन्होंने, तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा बनाया है इन्होंने। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये देखिए एक बार, चेक दिस आउट।
अभी वेलकम जो है कितना शानदार वेलकम किया गया है, बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर रहा है, तो हमको सीन कट करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद जो है हम लोग यहाँ पे वो करेंगे। और परफेक्ट प्लेस फॉर इंस्टा रील्स, तो यहाँ पे बताइए इंस्टा रील इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उसके लिए यहाँ पे परफेक्ट प्लेस फॉर इंस्टा रील, तो ये रील बनाने के लिए इन्होंने स्पेस दे रखा है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा है। साउंड आ रहा तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है इसको, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मेन जो डिटेल होगी मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। 5 कॉस्ट्यूम, 1 लॉकर, ये वाटरप्रूफ स्लिप दी है इन्होंने ताकि ये वाटरप्रूफ है, गीली ना हो या ख़राब ना हो, उसका प्रिंट ना जाए, तो ये अच्छी चीज़ है। पहले ये जो है कागज़ वाली मिलती थी लास्ट ईयर, मतलब जब मैं लास्ट टाइम आया था। और अभी जो कॉस्ट्यूम की कॉस्ट है ₹70 एंड सिक्योरिटी फीस ₹130, तो टोटल ₹200 ये लोग जब सबमिट कराते हैं एक कॉस्ट्यूम का, और ₹200 चार्ज एक लॉकर का। तो ऐसा कुछ सीन है, जब ये रिसिप्ट हम लोग वापस करेंगे तो वापस करने के बाद हम लोग ₹130 मिलेंगे। तो फिलहाल हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ से अंदर, तो अभी कॉस्ट्यूम जो है वो ले चुके हम लोग, एंड लॉकर वगैरह भी तो हम लोगों को मिल चुका है। और ऐसा कुछ छोटा सा एक लिंक का ताला मिला है, तो अभी लॉकर ढूंढते हैं। राइट, तो हम लोग चेंज वेंज कर चुके हैं, लॉकर में सामान वगैरह जो है डाल चुके हैं, हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, वाटरप्रूफ सेटअप अपना रेडी हो चुका है। और ये देखिए, ये चेक करिए गाइस, एंट्री हम लोग कर रहे हैं और हल्का फुल्का सा शावर का मज़ा ले रहे हैं, तो थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में पानी की बूंदें बन के आ सकती हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बाकी चेक दिस आउट, एक छोटा सा पूल है यहाँ पे, और पहले हम लोग बड़े पूल की तलाश में चलेंगे, स्लाइड व्लाइड्स करेंगे और मज़ा आएगा। ऑलराइट, तो हम लोग पहले जो है स्लाइड करने जा रहे हैं, और नैविदा एक्साइटेड हो फुल, तो मैट वगैरह जो हम लोग ले चुके हैं, ऊपर चढ़ के जीना जाना है, और उसके बाद हम लोग याली स्लाइड करेंगे। तो इधर से सब बियड़ ही बियड़ दिख रहा है पूरा, सब आजू बाजू खेत दिख रहे हैं। नैमित भाई एक नंबर, स्लाइड का मज़ा उठाने के लिए तैयार। डाउन हो गए सही दो तो किसी को जो है वो ये वाली स्लाइड भी फंस गई थी, जब बोल रहा है आई डोंट नो, फिलहाल मेरी तो स्मूथ गई है काफ़ी और बहुत ज़्यादा मजा आई है। और अभी हम लोग ने ये वाली स्लाइड गिरी है, हम लोग इसको मिस कर गए बिकॉज रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे, और उसी चक्कर में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी अच्छी राइड है अभी। खतरनाक नैमित भाई, क्या हो गया, पलटा दिए यार, क्या भाई आदमी हो, एकदम खत्म, ये खत्म ना, गिरा ही दिए पलटा ही दिया, अभी इसके बाद पिंटू भैया आने वाले हैं। मजा आई लगे, चोट लगेगा, चोट लग गई है, हाँ यार आ रहे, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ऑल फॉर एक्सपीरियंस, गिरे आई लव टू गया यार, मैं भी लुढ़क गया यहीं पे। नैमित भाई आने वाले हैं अभी, हाँ जाओ जाओ जाओ, ये देखिए चीते की रफ्तार से नैमित भाई अपना, क्या बात है, एक नंबर। ये देखिए किस्सू भाई, कोई सही बोलेगा इसके लिए,
कह रहे भाई चूतिया बना दिया। ऑलराइट तो अभी हम लोग, अरे यार ऑलराइट तो हम लोग ये वाली स्लाइड करने जा रहे हैं और नो सेफ्टी, केवल पैरों से होती है स्लाइड, हाथों को क्रॉस करके। तीसरी बार हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इस बार हथियार के साथ हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। चलेगा पेप की टाइमिंग है 2 बजे ना, यो 2 बजे 5 बजे ठीक है, लंच के बाद करते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने उस साइड का जितना भी एरिया बैकग्राउंड का, इधर का एरिया हमने सबने मोस्टली जो है कवर कर लिया है। ये यहाँ का बेसिक सा है बच्चों के लिए, तो हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। एंड वहाँ पर एक बड़ी सी स्लाइड, वहाँ चलते हैं और वहाँ पे फाउंटेन गिर रहा है ऊपर से, तो फाउंटेन और स्लाइड दोनों अभी करते हैं कवर। तो हम लोग सबसे पहले लंच करने के लिए तैयार हैं। तो 2 बजे का साहब 12 बजे का लंच था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, 12:30 हो गया अभी, पता नहीं क्यों टाइम इसमें गलत दिया हुआ है। तो अभी हम लोग डिनर मिलेगा हम लोगों को सबसे, और अनलिमिटेड फूडिंग है, सबसे अच्छी बात है। ऑलराइट तो अपनी प्लेट जो है वो रेडी हो चुकी है, छोटी सी चपातियाँ हैं, पनीर की सब्ज़ी ली है, दाल मैंने ली है, और ये इडली के साथ सांभर, और ये हलवा, छोला भी लिया हो क्या तुम? किस्सू भाई ने छोला भी लिया है, सबसे अच्छी बात है अनलिमिटेड फूडिंग है। तो एक बार टेस्ट करते हैं कैसा है टेस्ट, टेस्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। बढ़िया बढ़िया A1। प्लेट रखने का काउंटर वहाँ पे, खाना हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के खाया था। एंड ये इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है काफ़ी अच्छा, प्लेटें यहाँ से मिलती हैं आपको। भीड़ होने लगी काफ़ी ज़्यादा लंच में, और हम लोग जो है घर से निकले हुए थे तो खाना वाना सुबह से खाया नहीं था, तो काफ़ी भूख लगी हुई थी, उस वजह से हम लोगों ने फूडिंग अभी कर ली। एंड हम लोग यहाँ से जो है बैकग्राउंड में फाउंटेन वगैरह दिख रहे हैं, फाउंटेन में हम लोग इन्जॉय करेंगे, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा डांस वांस होगा। एंड ये 2 स्लाइडें जो हैं हम लोगों की अभी बची हुई हैं, इन दोनों को कम्प्लीट करना है, तो लेट्स इन्जॉय। बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा पानी ठंडा है यहाँ का, म्यूजिक बंद हो गया यार, बोटिंग चालू हो गई है। हम लोग ऊपर वहाँ पे थे, और किस्सू भाई क्या मजा आ रहा है फलपुर, फुल टू एंजॉय। और भीड़ जो है आज, जैसे कि कोई जयंती है तो उस वजह से भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी है। पानी का प्रेशर देखिए, पानी का प्रेशर कहाँ से रिलीज हो रहा है। ये तो चली नहीं रही है, बच्चों वाली स्लाइडों में बहुत मजा आ रहा है। इसीलिए इसकी वेटिंग ज्यादा है, क्योंकि इसमें मजा ज्यादा है। क्या कहते हो, क्या कहते हो मेरे भाई, मेरे भाई। ऑलराइट तो अभी सेकंड हाफ हो चुका है, लगभग 3 बज गए, और एक वेव हम लोग पहले से पहले मिस कर चुके हैं, लगभग 1:30 बजे की तरफ होती है वो, ये 3 बजे की तरफ वेव होगी। तो टाइम जो है 2:56 हो गया है, और आई गेस वेव स्टार्ट हो जाए, बिकॉज गोप्रो में बैटरी काफ़ी कम है, लगभग 15% के आसपास बची है, और हम लोग वेव वाले ही सेशन में हैं फिलहाल। तो अंदर चलते हैं, अंदर सारे अपने दोस्त लोग हैं। कहाँ ये मिलेगा, जहाँ पे जमा किया वहीं से इसको पैसा मिल जाएगा।
ऑल राइट, तो चेंज हो चुका है अभी फ़िलहाल, और अभी हम लोग इसको कपड़ा जो है चेंज वेंज करने को डाल दिया हूँ। और ये देखिए गोल्डन मैन, थैंक यू। ये रियलिस्टिक है, तो यहाँ पे स्टैम्प लग चुकी है, यहाँ से आगे से जाके हम लोग इसका पैसा मिल जाएगा। लो भाई मारो सड़ा सा 7D शो। तो आई थिंक आगे अंदर 7D शो है, तो फिलहाल अंदर चल रहे हैं हम लोग। और स्किन बहुत ड्राई सी हो गई अभी। पपाया रखा हुआ है, पाइनएप्पल रखा हुआ है, सारे फ्रूट्स बने हैं। चाचा जी यहाँ पे बैठे हैं उस्ताद। हम लोग चल रहे हैं, और साथ ही करीब 5,00,000 पुरुष और महिलाओं का 10 सालों का काम भी। ऑल राइट, तो अभी हम लोग जो है इंजॉय कर चुके हैं अपना 7D शो, एंड स्पेस शिप का एक शो था जो कि मैंने छोटी छोटी क्लिप डाली थी आपको, और कुछ खास नहीं था। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग टाइम वेस्ट करें इतनी लंबी लाइन लगा के, मिलता है क्या है, नॉर्मल सी चीज़ें, तो कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का टाइम वेस्ट करके। और 5:07 हो चुका है और हम लोगों के पास 1 घंटा और बचा हुआ है। लेजर शो भी होता है यहाँ पे नाइट में, तो उसका भी शायद टाइमिंग है 7 बजे या 7:30 जब नाइट हो जाती है उसमें फाउंटेन के ऊपर करते हैं लेजर शो। तो अभी हम लोग फ़िलहाल 1-2 स्लाइडें करेंगे, जो झूले वूले हैं ठीक ठाक जो हम लोगों को लगेंगे वो अच्छा करेंगे, और बाकी यहाँ से चलते हैं दिखाते हैं कौन कौन से झूले हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। और बाकी टाइम वेस्ट है, मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बाकी आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं। और बीच में एक म्यूजियम करके भी एक चीज़ मिली थी जहाँ पे 7 समुंदर लिखा हुआ था, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो टाइम ना होने की वजह से मैं वहाँ गया नहीं हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे। आप हो सकता है एक बार देख आइए, शायद एक्वेरियम थी उसमें हर टाइप की मछलियाँ आपको मिलेंगी, 7 समुंदर पार की एंड इंडिया की जो भी नॉर्मल मछलियाँ होंगी सारी मिलेंगी। तो अभी हम लोग झूलों के ऊपर ट्राई करने जा रहे हैं। स्लाइड देखिए क्या सही स्लाइड है, उसको ट्राई करेंगे अभी। सही तो आ रहा है यार, ये पूरा ड्रोन उड़ा देते यार इतने में। तो इस वाली राइड के भी कुछ आप जो ना आपने जो सीन देखे थे वो उसके थे, और काफ़ी अच्छी राइड ये भी, एक भी स्मूथ सा जाता है और ऊपर लगभग 30-40 सेकंड का एक छोटा सा जो है पैचअप मिलता है जहाँ से आप पूरा ब्लूवर्ड निहार सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने ये वाली जो बैकग्राउंड में ये वाली करी थी, एंड इसके बाद एक भाई ने सजेस्ट करी है काफ़ी अच्छी है वो, तो उसको हम लोग अभी राइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं इसी में बैठे हुए हैं, देखिए आप किस तरीके से बनाई गई है, बहुत ही खतरनाक। क्यों नहीं बैठे इस पर बताइए, बहुत ही खतरनाक एहसास दिला रहा है कि जमीन में गिरेंगे जाके, खून में गिरेंगे जाके। बताइए आपको कैसा लग रहा है इसकी राइड करके? एकदम फाट के फ्लावर हो चुकी है, बुरी तरीके से हालत है। जो बगल में हमारे पड़ोसी बैठा था कह रहा था माँ कसम जिंदगी में झूला नहीं झूलेंगे, तो लिटरली मतलब एकदम खतरनाक सा एक्सपीरियंस था। और हम एक बार कहेंगे कि आप लोग ट्राई करें, और जितने भी सर्किल में हम ही ने केवल ट्राई किया कि सू क्या कहते हो ट्राई करोगे? नहीं नहीं, हमें नहीं, दोबारा नहीं, तुमको आधार बस का नहीं है। आने लगे
अगर आप लोग आएंगे यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड में तो बाकी सब चीज़ों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, उसको आप ज़रूर ट्राई करिए, ये है कार। तो ये गाड़ियाँ चलाने वाला जो कि आपको मॉल वगैरह में काफ़ी कॉस्टली इसका चार्ज देना पड़ता है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, लगभग 400-500 रुपये खर्च करके आपको ये चीज़ मिलती है, तो ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी यहाँ पे। तो ये कार वाला जो है हम लोगों ने ट्राई कर लिया, सूट नहीं किया था, और ये कि बेसिक सा है, इसके आगे ये है, और यहाँ पे चिल्ड्रंस के ज़्यादातर झूले हैं, और यहाँ पे कुछ थीम वगैरह बनी बना रखी है, जैसे कि थीम पार्क नाम। ऑलराइट, तो अभी जो है सॉन्ग वगैरह प्ले हो रहे हैं तो कॉपीराइट क्लेम आने का थोड़ा सा ज़्यादा खतरा है, तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट सारी की सारी राइडें और सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। सुहाना सफ़र जो है वो अपना मिस हो चुका है, एंड कई सारी चीज़ें हमने मिस करी, जैसे रोप वाला जो वो झूला वगैरह था, एंड काफ़ी सारे हमने झूले नहीं झूले बिकॉज टाइम जो है 6:30 हो चुका है लगभग, और अभी कुछ थोड़ा बहुत और कानपुर में, तो वो काम भी निपटाना है हम लोगों को। थैंक यू, विजिट अगेन, सी यू सून। दुबई का काउंटर देखिए एकदम फीका फीका सा, एंड अभी का देखिए अभी, तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने लगभग 3:30 तक वेव का लास्ट शो निपटाने के बाद हम लोगों ने चेंज वेंज किया, 4 बजे समथिंग हम लोग ड्राई राइड्स में आए थे, और ड्राई राइड करने के बाद लगभग वही टू आर एंड लगभग 3 आवर्स के बीच में हम लोगों ने सगरी ड्राई राइड्स करी। तो आई होप आपको वीडियो एंड ब्लॉग अच्छा लगा, मोर डिटेल के लिए एक बार मैं डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका टिकट फीस और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चार्जेस थे, क्या क्या चीज़ रिफंडेबल थी, क्या क्या नहीं था, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और गूगल मैप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ नियर बाई आप आ सकते हो लखनऊ से अगर आपको आना है, तो ऑन रोड आ रहे हैं तो आपको गंगा बैराज होते हुए ये वाला रूट मिल जाएगा, और अगर आपको बाई ट्रेन आ रहे हैं तो ट्रेन से भी आप आएंगे, LC वगैरह ले सकते हैं, या कई सारे आए और ऑप्शन हैं, वहाँ से आपको 2 ऑटो चेंज करने पड़ेंगे बड़े चौराहे से कल्याणपुर तक या चौबेपुर तक, और इधर से सॉरी मंदना तक, मंदना के बाद फिर आप यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड तक के लिए, और इजी सब कुछ है, टैक्सी वैक्सी का कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं, उधर से आपको 20 रुपये पड़ेगा, इधर से 10 रुपये पड़ेगा, और काफ़ी अच्छा है। तो अभी बैकग्राउंड में खाने वाने का एकदम फुल टू लगा है, गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हैं, गाड़ी अपनी वहाँ पर लगी हुई है, और आई होप आपने वीडियो एंड ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, इसी तरीके से बनाए रखिए प्यार, लव यू ऑल, बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी।